हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट आर वी। तो ये है मिस्टर ऋषभ की स्विफ्ट। जितनी बार से भाई ने सिंपल और एक सोबर स्विफ्ट बना रखी है बाहर से, ये उतनी ही अंदर से आई कैचिंग और इंटीरियर गजब का है। और रही बात साउंड सिस्टम की, बात करूं तो एक आइडियल जो एक यंगस्टर चाहता है, क्लियरिटी, क्लीन, क्रिस्टल, मतलब हर सॉन्ग की वैरायटी, हर एक पंच, हर एक नोट आपको क्लियर लगे। तो इस गाड़ी का हम फीचर करेंगे। साउंड सिस्टम का मेन रहेगा कि भाई ने क्या क्या प्रोडक्ट लगा रखा है, एक आइडियल साउंड सिस्टम के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एम्पलीफायर, सबवूफर, स्पीकर, इसका क्या कहते हैं हेड यूनिट, और इसके अंदर 7650 प्रोसेसर लगा हुआ है। और रही बात कि किस किस प्रोडक्ट को, और किस, सबसे बड़ी बात इसका है प्लेसमेंट। यस दोस्तों, प्लेसमेंट कैसे करनी है आपको साउंड सिस्टम की, पॉट्स वगैरह कहाँ होने चाहिए, सेंटर स्पीकर का मेन मकसद क्या होता है, वो कहाँ होना चाहिए, तो इस वीडियो में आपको कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा हो जाएगा। तो चलते हैं इसका साउंड सिस्टम का रिव्यू लेते हैं। तो अब तक मेरा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके आगे लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको यूँ ही मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मेरे को ये बहुत अच्छी कार लगी क्योंकि इसमें ना ऑरेंज मेरा फेवरेट ऑरेंज कलर, और गाड़ी में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? यस। मतलब कि बहुत बढ़िया तरीके से इंटीरियर कर रखा है भाई ने, ऋषभ भाई ने। ये हैंड रेस्ट है, आफ्टर मार्केट लगवा रखा है, आपके लेफ्ट हैंड को एक आराम मिले जब आप ड्राइव करो। और बाकी सीट कवर वगैरह की जो आप क्वालिटी की बात कर रहे थे, वो भी एक ऑसम क्वालिटी की लगा रखी है। गाड़ी का इंटीरियर तो मुझे बहुत पसंद आया, और आप भी कमेंट करके बताना पसंद आया तो लाइक करना। ज़रूर नायशा, लोग कमेंट ज़रूर करेंगे, और मेरे को भी इंटीरियर क्वालिटी बहुत बढ़िया लगी। तो हम मूव करते हैं इसके हम साउंड सिस्टम में कि क्या क्या चीज़ ऋषभ भाई ने लगा रखा। पारी है गाड़ी का साउंड सुनने का। गाड़ी के साउंड में मैं पहले बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ लगी हुई है इसके अंदर। भाई ने बहुत बढ़िया तरीके से प्लेसमेंट कर रखी है, वो चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगी। वरना लोग सिर्फ सामान लगाने के चक्कर में लगे रहते हैं कि हाँ यहाँ पे ये लगा दे, वहाँ पे ये लगा दे। तो पहले मैं सामान से स्टार्ट करता हूँ। तो मैं ऋषभ भाई को बोलता हूँ कि एक बार मेरे को सामान सारी चीज़ बताएं क्या क्या चीज़ लगी है, फिर उसके बाद में हम साउंड प्रैक्टिकल करेंगे। तो ऋषभ भाई, हम यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये डीडी के रेडलाइन सीरीज के हैं, 4 इंच के स्पीकर हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे टारगेट ट्यूटर है, सुपर ट्यूटर है। कौन से है? सुपर ट्यूटर है। उसके बाद ये पंक ऑडियो का मिड लगा रखा है, ओके भाई ने थोड़ा जुगाड़ कर रखा है। चलो वो चल, यहाँ पे मिड लाइट लगवा रखी है। ठीक है, वो चलता है। पंक ऑडियो के मिड्स है इसके अंदर, लेकिन अवतार की ग्रिल लगा रखी है। चलो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। ओजो का 4 इंच का स्पीकर है, सेंटर स्पीकर भी बोलते हैं ओजो का। ओजो कंपनी किसी को नहीं पता, मेरे ख्याल से मैं इसको 10-15 साल तो मेरे को हो गया ओजो को जानते हैं, क्योंकि मैंने इसमें सेंटर स्पीकर लगाए थे अपनी गाड़ी में और मस्त बजते थे दोस्तों। और ये है डीडी के, इधर भी वही है सुपर ट्यूटर। तो साइड में हमारा पॉट, क्या बोलते हैं यार, पिलर पॉट्स बहुत जानदार और बहुत बढ़िया तरीके से मॉडिफाई कर रखे हैं। और सबसे बढ़िया चीज मेरे को भाई सेंटर स्पीकर की, कैनवुड का बेस्ट इन अपने सेगमेंट में, और प्लेसमेंट बहुत प्यारे उसने कर रखे। अगर कोई लोग डीएसपी प्रेफर कर रहा है अपने गाड़ी के अंदर, तो सेंटर स्पीकर को आप बीच में ना लगा के पिलर्स पे लगा दो। लेकिन भाई ने थोड़ी गड़बड़ कर रखी है, क्योंकि दोनों की फ्रिक्वेंसी अलग अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, तो थोड़ा वो फर्क पड़ता है, तो साउंड में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। अब चलते हैं बैक साइड में। बैक साइड में भाई ये मैं लाइट जला लेता हूँ। तो ये फोकल के 4 इंची स्पीकर, ये फोकल के 4 इंची के स्पीकर पीछे पीछे इसने लगा रखे हैं, और हमारे JBL के ओवल स्पीकर है, 4 नहीं 2 रॉकफोर्ड है, 2 JBL। अच्छा, इसमें भी वो कर रखा है, 2 JBL है, 2 रॉकफोर्ड है। फ्रीक्वेंसी में देख के दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करती है, नहीं बॉस फर्क पड़ता है, कि कंपनी हर अपने वॉइस कॉइल और अपनी तरीके से बनाती है। अब बेशक आप ये कर सकते थे कि आप 2 फोकल बीच में और 2 JBL ऐसे ऐसे कर सकते थे, थोड़ा सीरीज वायरिंग में जैसे होता है वैसे आप प्लेसमेंट करते हैं तो आपको एक साउंड अलग से और पता लग जाएगा। ये मेरी वो है। बाकी पाइनियर का
मॉडल नंबर है P4250DVD। तो इसमें ब्लूटूथ नहीं है भाई, ने बाहर से ब्लूटूथ बाहर से लगवा रखा है। यहाँ पे मैंने टोरेंटो का लगा रखा है, बहुत अच्छा इसका आउटपुट है। okay. थोड़ा कॉस्टली आता है, 150 रुपए लोग चाहते कि सस्ता लग जाए, लेकिन नहीं, मैंने बहुत देख दाख के टोरेंटो का लगा रखा है। इसकी बहुत अच्छी माइक भी है और साथ में फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है, कभी भी लेट भी मेरे को नहीं पता था कि ब्लूटूथ में भी ऐसा कुछ पंगा आता है। फिलहाल मेरे को आज एक नई जो नॉलेज मिल गई, तो आप ये प्रेफर कर सकते हो और ऋषभ भाई से भी पूछ सकते हो, मैं नंबर वगैरह डाल दूंगा। तो हमारा सबसे मेन हमारा प्रोसेसर कहाँ लगा हुआ है, तो पहले मैं प्रोसेसर दिखा देता हूँ कि कौन सा लगा हुआ है। ये इसके साथ कंपेटिबल है प्रोसेसर, तो ये सेट भी आप देख सकते हो, नंबर भी लिख सकते हो। किसी के पास अगर ये वाला पाइनर का नंबर वाला सेट है तो आप ये प्रोसेसर लगा सकते हो। तो मैं पीछे चलता हूँ भाई का, देखते हैं। तो ये सीट के नीचे प्रोसेसर लगा रखा है, ये है 7600 दोस्तों, हाँ सॉरी 7600 बेच के ना 7650 हो गया, आदत पड़ जाती है। तो ये 7600 7650 लगा हुआ है DEQP67650। तो अब बारी है हमारी साउंड की भाई, माइंड ब्लोइंग। मैं कहता हूँ कि भाई मैंने जब DSPs वगैरह लगाता रहता हूँ, मैं सारी चीज़ करता रहता हूँ, तो ये तो साउंड का हर एक का पता रहता है कि कहाँ पे कौन सी नोट कम जा रही है। साउंड का मेरे को पता रहता है कि कोई जब बंदा मेरे पास भी DSP लगवाने आता है तो क्या मैं लगा तो देता हूँ मन मार के, लेकिन ये मेरे को मेरे ख्याल से लाइफ में दूसरी तीसरी गाड़ी मिल रही है जो परफेक्ट साउंड दे रही है। मेरे को जो मज़ा चाहिए एक वोकल और DSP का मज़ा, तो एक NCS या कोई भी नॉन कॉपीराइट साउंड चलाते हैं जिसमें आपको साउंड का मजा ले। और मैं गाड़ी के बाहर भी जाऊंगा, दूर लेके भी जाऊंगा। तो ऋषभ भाई कोई NCS या बढ़िया सा कोई नॉन कॉपीराइट सॉन्ग हो जाए तो मजा आ जाए। तो भाई ने V12 का एम्पलीफायर लगा रखा है, 4 चैनल, एक V14 है और एक V12 है। और एक बार मैं डिग्गी खोल दो, और सबवूफर में है हमारा JBL 1000 वॉट, बहुत पुराना, 10 से 12। हाँ वही ना, बहुत पुराना है ये, इसका पंच बहुत प्यारा पंच है इसका। हाँ, सॉफ्ट पंच है, सॉफ्ट पंच और कानों को नहीं खाने वाला। ये पाइनियर का 300F है शायद, डबल कॉइल, ये डबल कॉइल DBC है, ये कौन से वाला, ये मुझे लेकिन डबल कॉइल है, मैंने okay. अभी रिसेंटली मैं पलकोडियो को लगा था, okay. वो उसका मैग्नेट खराब हो गया, तो मैं कभी वूफर रिपेयर नहीं करवाता, ओके ओके, तो मैं चेंज करवा दूं, मेरे को ज्यादा कॉस्टिंग नहीं था, मैं चेंज करा दूं। वरना इसमें 307 या PF आता है इसकी जो कॉइल है। चलो जो भी है, फिलहाल ये आप सारा सेटअप है भाई का। मेरा एक दोस्त है, उसकी गाड़ी में लग रहा है, उसके पास सिर्फ डीजल की है, 300 लग रहे हैं दोनों, ओके ठीक है। तो दोस्तों अब कंक्लूजन का टाइम है, कॉपीराइट सॉन्ग उठा लिया है, बाकी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टा पे आ सकते हो, इंस्टा भी मैं खोलने वाला हूँ, तो उस पर मैं प्रॉपर नॉन कॉपीराइट सॉन्ग चला दूंगा। तो ये NCS का चला दिया है ये, वॉल्यूम बढ़ा दो। सुपर्ब साउंड। लोगों की एक मिथ है कि भाई DSP लगाने के बाद बेस गिर जाता है, गलत बात है, बल्कि बेस और निखर आता है। साउंड मस्ट दोस्तों,
दोस्तों साउंड में कोई कमी नहीं लगी, हाँ थोड़ा सा मिसमैच कर रखा है भाई ने, लेकिन मेरे पास एक सेंट्रो भी आई थी उसने भी ऐसे ही कर रखा था। मतलब कि जरूरी नहीं है कि एक बारी में सारी चीज आपको खरीदनी है, आप अलग अलग करके भी धीरे धीरे अपना सेटअप भी कर सकते हो। हाँ अलग वेरिएंट ले सकते हो, लेकिन लो तो मैचिंग करके ही लो। कई बंदे करते हैं कि आगे मिड्स वगैरह लगा देते हैं, पीछे कंपोनेंट लगा देते हैं, या आगे कंपोनेंट दूसरी दूसरी कंपनी के लगाते हैं। जैसे आगे लगा दिया 60 वोल्ट आरएमएस का, पीछे 90 वोल्ट आरएमएस का, फिर जैसे ही साउंड खोलते हैं तो आगे वाला फटने लग जाता है। दोस्तों ये चीज आपको थोड़ा समझना जरूरी है। बाकी मेरा कंक्लूजन इस गाड़ी के लिए थम है, बेस्ट है। एक बार बंदा गाड़ी में बैठ जाए तो अपनी गाड़ी में जाके वोकल सुनेगा, मुझे नहीं लगता भाई उसको पसंद आएगा, वो यही कहेगा कि ऋषभ भाई की जैसी गाड़ी बनानी है, ऐसी धीरे धीरे सेटअप करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, साउंड कैसा लगा, और ऋषभ भाई भी बहुत जानदार लगा बंदा मेरे को। तो मैं लिंक्स वगैरह डाल दूंगा, भाई का नंबर वगैरह डाल दूंगा, कोई भी इनको भी भाई को भी साउंड सिस्टम से रिलेटेड अच्छी नॉलेज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, सेफ ड्राइव एंड डोंट ड्रिंक ड्राइव। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।